हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। आज हम लोग जान रहे हैं टाटा मोटर्स के वर्कशॉप के आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, एक ओनर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था कि ये गाड़ी टाटा टियागो एक्सटेड उनके पास है और इसका फ्रंट बम्पर डैमेज हो गया है। इसकी रिपेयर कॉस्ट वर्कशॉप ने उनको बताई। इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट बताऊं, आई थिंक यू शुड लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ गेस कितना इसका एस्टिमेटेड रिपेयर का खर्चा बताया होगा। गाड़ी का बम्पर, फॉग लाइट, फ्रंट ग्रिल का रिपेयरिंग का काम है इसके अंदर। देखिए, थोड़ी और बड़ी पिक्चर कर दी है, यस आपके सामने है। सस्पेंस खत्म करते हैं, बताते हैं इसका क्या रिपेयर का खर्चा है। इसका खर्चा है 21,419 रुपए, यस आपके सामने है, जिसमें टाटा मोटर्स के वर्कशॉप ने इसी काम के 21,419 रुपए कोट करे हैं, जिसमें गाड़ी का बम्पर रिप्लेस होगा, गाड़ी की ग्रिल, फ्रंट ग्रिल जिसमें बॉटम ग्रिल, टॉप ग्रिल रिप्लेस होगी, गाड़ी की फ्रंट फॉग लाइट्स भी रिप्लेस होगी और उसके साथ साथ लेबर चार्जेस उसमें मेंशन कर रखे हैं। 21,419 रुपये, क्या आपका एस्टिमेटेड जो आपने आइडिया लगाया था रिपेयर का, क्या वो इसके करीब था? अब इसके लिए कस्टमर ने टाटा मोटर्स की वर्कशॉप से बोला, ये तो बड़ा ज़्यादा खर्चा लग रहा है। उन्होंने टाटा मोटर्स की एक ऐप आती है TMSC ऐप, उसमें भी एक देखी कि रेडिएटर का लेबर चार्जेस कितने हैं रिमूव और इंस्टॉल करने के, वो 462 रुपये लग रहे हैं और वर्कशॉप ने बताया करीब 1500 रुपये। इसी के लिए जब शर्मा जी जो इस गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला तो उनको एक ओनर ने कन्फर्म किया कि उनकी गाड़ी का भी फ्रंट बम्पर रिप्लेस हुआ था और जो उनको इनिशियल कोटेशन दी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। फिर उन्होंने टाटा मोटर्स के TMSC ऐप में गाड़ी के स्पेयर पार्ट प्राइसेस चेक करे और उन्होंने शो करा वर्कशॉप को और फाइनली वर्कशॉप ने वही प्राइसेस लिए जो टाटा मोटर्स की एप्लीकेशन में है। तो देखिए, टाटा टियागो के जो और ओनर्स हैं, एक साहू साहब और राहिल जी, उनका तो मानना यही है कि टाटा अगर डायरेक्टली ये डीलर और वर्कशॉप को डायरेक्टली ओन कर ले तो उस गाड़ियों का सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि टाटा मोटर्स एज अ मैन्युफैक्चरर्स इन डीलर या वर्कशॉप्स को ओन करे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ ट्रांसपेरेंसी, टू मेंटेन इम्प्रूव्ड सर्विस स्टैंडर्ड्स, ताकि जो टाटा के बाकी गाड़ियों के ओनर्स हैं इंक्लूडिंग नेक्सॉन, टिगोर, हेक्सा, आने वाली H5X या एग्जिस्टिंग टाटा की फ्लैगशिप कार टियागो, द कस्टमर शुड गेट एन A1 एक्सपीरियंस और उसके लिए ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। मानते हैं टाटा टियागो की बेस्ट इन क्लास बिल्ड क्वालिटी है, क्लास लीडिंग फीचर्स हैं, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, म्यूजिक सिस्टम हरमान का जो आता है उसकी बढ़िया साउंड क्लैरिटी है, इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाइलिश कार है और जिस प्राइस पॉइंट पर आ रही है इट इज़ वन अमंग द बेस्ट प्राइस। बट क्या टाटा टियागो लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अगर टाटा मोटर्स एक आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपीरियंस में अपने को काफ़ी बढ़ोतरी करे, वर्कशॉप्स की ट्रेनिंग करे, ट्रांसपेरेंसी रखवाए, वर्कशॉप को बोले स्पेयर पार्ट प्राइसेस में, लेबर चार्जेस के अंदर, अगर सेम फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी चाहिए जो मारुति सुजुकी ने इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में बना रखी है, अगर टाटा मोटर्स ये काम कर सकता है तो टियागो की जो सेल आज 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ हर महीने बिक पा रहा है, वही सेल 14 से 15 हज़ार गाड़ियों की हो सकती है। ऐसे वन ऑफ एक्सपीरियंस आपको हर ब्रांड में मिलते हैं, बट क्योंकि टाटा मोटर्स कंपीट कर रहा है अगेंस्ट द वेरी बेस्ट, उम्मीद करते हैं अगर टाटा मोटर्स पॉजिटिव चेंज लाएगा ट्रांसपेरेंसी के अंदर तो टाटा टियागो कैन ऑल्सो ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स इन द नियर फ्यूचर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल माय कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब और वीडियो आगे शेयर करिए विद ऑल योर फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू।